तो गाइज मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ आकृति को लाने के लिए, और इनके पापा का अचानक कॉल आ गया कि आप तुम जाके ले आओ, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं करील फ्राई कर रही थी तभी इनका पापा का फ़ोन आ गया, तो मैं इसको छोड़ दूँगी और जाऊँगी आकृति को लाने के लिए। तो इसीलिए मैं ढक दूँगी और गैस को करूँगी ऑफ। तो हेलो गाइज, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आप सभी को फिर से मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, और मैं चली आकृति को लाने के लिए। तो चलिए मैं तो गाइज मैं निकल गई हूँ आकृति को लाने के लिए, जा रही हूँ, उसके लिए ले ली हूँ छाता। और इधर आकृति को लेके मैं चली आई हूँ, तो देख सकते हो उसकी मस्ती से आ रही है। तो इसको मिला है टॉफी, दिखाओ कौन दिया? किसी का बर्थडे था, तो इसको बर्थडे में इसको मिला है चॉकलेट, और पापा इसको जाते हैं पहुंचाने के लिए, तो उसमें होता है इसका फायदा। तो ये पापा के साथ जब जाती है तब तो फुसला देते हैं। तो ये सुबह मैं गई थी पापा के साथ, इसको मिला ये, तब ये दोनों भाई बहन शेयर करके ही खाएंगे, अभी खाड़ेगी नहीं ये। और वो चॉकलेट भी एक लाई दो मिला है, तो वो अभी एक भैया के लिए रखेगी, अकेले कोई चीज़ नहीं खाती है, बचा के लेकर। तो गाइज मैं यहाँ पे मेरा चावल हो गया था, और जो मैं आधा अधूरा छोड़ के गई थी, तो यहाँ पे हो गई है, इसके बन गई है, चावल भी हो गया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, तो मैंने यहाँ पनीर फ्राई कर ली हूँ, और कुछ फ्राई हो रही है, तो मैं यहाँ पे ली हूँ मसाले और प्याज, और इसको मैं पीसूँगी। तो बस यही सब मैं डाल के मैं बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों लोग को ग्रेवी वाली पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और मेरी चिड़िया रानी का ना चावल ख़त्म हो गया है, तो वो यहीं से घूम रही है, तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ, रोज आ जाती है ये। और इधर मेरी चिड़िया को मैं दूंगी दाना, तो अभी दूंगी तो उड़ जाएगी, तो मैं इसको दे दी हूँ। और इधर मैंने प्याज फ्राई हो चुकी है, और मेरे सारे मसालों में नमक हल्दी जो है जो मैं डालती हूँ, और पनीर मसाला कश्मीरी मिर्च ये सब मैं डाल दूंगी, और उसके साथ फ्राई करूँगी। तो जब तक वो फ्राई होगी तभी मैं इसमें पानी डालूँगी। तो ये मैं डाल रही हूँ पनीर बटर मसाला, और मैं थोड़ी सी चीनी भी ऐड करूँगी, और वो जो देख रहे हो मगज दाना और काजू मैं पीस के रखी हूँ। तो मैं कभी दही के साथ बनाती हूँ, कभी बेसन के भी साथ बनाती हूँ, मुझे जो ऐसा मन करता है तो ऐसे ही बना के मैं ट्राई करते रहती हूँ, हमेशा एक जैसा नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं मलाई, तो मैं मलाई डालूँगी, तो मेरी 2-3 चम्मच मलाई निकल गई थी, तो मैं उसको भी डालूँगी लास्ट में। तो मैं इसको फेंट ली हूँ, और इधर मेरे ना मसाले फ्राई हो गए थे, तो मैं इसमें डालूँगी पानी, और मैंने दाल भी बनाई हूँ क्योंकि इनको पापा को दाल चाहिए ही। तो बस मैं मेरी उबाल आ गई थी तब तो मैं पनीर डाल दी हूँ, और पनीर डालने के बाद उसमें मैं थोड़ी चीनी भी डाली थी, तो मैं जो नहीं दिखा पाई हूँ। और ये मैं जो पीस के रखी थी काजू और मगज दाना और मलाई, तो मैं इसको लास्ट में ऐड करूँगी और अपने ग्रेवी के अनुसार मैं रख दूँगी। तो मेरी पनीर बन गई है, और धनिया पत्ता नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही मेरी टेस्टी बनी थी पनीर। और मैं आ गई हूँ छत, तभी लंच कोई नहीं किए हैं, इनके पापा नहा रहे थे, और मैं आकृति को नहलाने आई हूँ। तो यहाँ पर तेज़पत्ता जो ताज़ी ताज़ी है उसको मैं सूखने के लिए धो के दे दी हूँ, और कपड़े को मैंने उठा ली हूँ, सूख गई थी। तो गाइस आकृति नहा ली है और वो जा रही है नीचे, तो वो नीचे चली गई है। तो बस आकृति गंदा है बेटा, उसमें मत पूछो। तो बस मैं नीचे जब तक जाऊंगी तो मेरी वीडियो हो जाएगी लॉन्ग, तो मैं करती हूँ अपनी वीडियो को यहीं पे एंड। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले ब्लॉग के साथ। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।